पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो पोटेंशियल का मतलब ही होता है वर्क डन। अगर आपने कहीं कुछ वर्क किया है वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक होता तपड़ी कर रहे हैं, अब जैसा कर रहे हैं वैसी एनर्जी स्टोर्ड है। जब जरूरत पड़ी कि भाई एनर्जी लाओ एनर्जी लाओ एनर्जी लाओ, पेपर आ गया, उसी तरीके से एनर्जी सर्च कर रहे हैं, बगल वाले तैयार करके आया, जब पेपर आता है तो बगल वाले को देखते हैं, जहां पर हर तरह की नकल होती है, पूछताछ हो जाती है, तो बगल वाला जब पढ़ता है तो खूब खुश होता है, वो अगला ये वाला उसको देखता है, उसका मुंह देखता है, खुश हो रहा, मतलब उसको आता है। होता क्या, जब हम पढ़ते हैं ना पेपर तो हमको सब कुछ आता है, भाई पढ़ा भाई हमने, और जब हम क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट इज कैपेसिटर, बगल वाला देख रहा है, पहले हंस रहा था, सोचे अभी चला, ये तो पहले हंस रहा था, अभी तो सीरियस हो गया, क्योंकि अब लिखना है ना उसमें, तो होता क्या है। तो देखिए किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में इसका मतलब वर्क करना पड़ रहा होगा, वही वर्क उसे उसकी एनर्जी के फॉर्म में, इस कल समझ में आया था, पीछे का थोड़ा छूटा हुआ है उसको आप फॉर्मूला डाल दिया। तो देखिए हमने कहा सपोज करिएगा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यानी कैपेसिटर की दो प्लेटें, ये न्यूट्रल अभी कोई चार्ज नहीं है, दो प्लेटें हैं, आप प्लेटें ऐसे ही बना सकते हो, एक प्लेट ऐसे दिखा दो वैसे कैसे दिखा दो, और ऐसे बनाना तो हमारे बस की बात है। हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कार से जोड़ दिया। बैटरी किस तरह काम करती है और कैसे इसमें एनर्जी स्टोर करती है समझिएगा, वर्क की क्या होती है। जब हमने जोड़ा होगा ये दो कंडक्टर प्लेटें है ना, नेट चार्ज इसको कितना है, जीरो, नेट चार्ज जीरो है। अभी जब बैटरी से जुड़ा तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोल होता है, ये नेगेटिव पोल होता है, ठीक, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। अब ये वर्किंग क्या है, यहां पर इस बैटरी ने दो तरीके समझ सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव पोल ने इस कंडक्टिंग प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, या यूं कहिए पॉजिटिव चार्ज वहां जाके स्टोर कर दिया, दोनों बातें से उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेना अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को ले जाके यहां चिपका देना, नहीं बैटरी कुछ नहीं करती है, बैटरी किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों को केवल मूवमेंट कराने के लिए एक डायरेक्शन देती है, पोटेंशियल डिफरेंस बस, और कुछ नहीं करती, ठीक है। अगर बैटरी करती होती तो नॉन कंडक्टिंग वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नॉन कंडक्टर जो होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, क्या उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करते, लेकिन बैटरी उनके इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं पाती है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां चार्ज कैसा हो गया, प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन ले जाकर के बैटरी ने यहां चिपका दिया, माइनस, एकदम से थोड़े खींच पाएगी, माना 50 इलेक्ट्रॉन है, एकदम से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगी नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या यूं किया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, ये कहेंगे तो बात भी, लेकिन पॉजिटिव कैसे कर दिया, पॉजिटिव वर्क होता नहीं, इस तरह हम वैसे बता रहे जैसे ये समझ रहे हैं, पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा और इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया यहां पर, ठीक, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और टोटल बैटरी का पोटेंशियल कितना है, लेकिन एकदम से तो वो चार्ज को ट्रांसफर कर नहीं पाएगी। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे आप, क्योंकि कैपेसिटर दिखाना है, इसको इस तरीके से दिखाइएगा, ये समझाने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे समझोगे दिक्कत करेगी, देखो एक्शन इस तरीके से आप समझिएगा, इसने क्या किया, इसको प्लस किया, ठीक है, अगर हम ऐसे प्लस माइनस करेंगे तो कैपेसिटर नहीं कंडक्टर बन जाएगा, इसको प्लस किया, अब इसका प्लस कहीं भी आप दिखा सकते, ठीक है, और जब इसका प्लस किया तो इंडक्शन की वजह से इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ऐसे खींच लिया, और इसके बाहर पॉजिटिव हो गया, वो कहां चला गया, काम खत्म, आप सुन जाएंगे बात, वो हम निगेटिव ऐसे ले जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा सपोज करिएगा जैसे हमने इसको चार्ज करना शुरू किया है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट,
बिटवीन द प्लेट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसको हमने मान लिया बी डैश। अल्टीमेटली होना यही है, ठीक है, जरूरी भी नहीं इतना हो जाए, बी डैश हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको चार्ज देना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी चाहो तो लिख लो, जब मत लिखेगा। अब जरा देखिए जान से, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस प्रकार से। अब पहले आपने कुछ थोड़ा सा चार्ज दिया होगा, अब जैसे ही अगला चार्ज यहाँ से जाएगा, पहले वाला चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। फिर समझिएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, वैल्यू किए, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पर चिपका दिया जाएगा इसको, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव जाएगा तो पहले वाला पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको वेलकम तो नहीं करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो अगर हम मान लें, लेट वी फर्दर गिव, वी फर्दर गिव चार्ज डी क्यू, चार्ज डी क्यू टू द प्लेट, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन। कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर हम इसको और डी क्यू चार्ज दें, हमको कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वी डैश इंटू डी क्यू, ये तो होगा। वी डैश का मान क्या रखेंगे, अगर हम मान लेंगे शुरुआत में आपने इसको चार्ज कितना दिया है, क्यू डैश स्टार्टिंग में, पहले आपने क्यू डैश दिया, इसके बाद जब डी क्यू आप देने गए तो पहले वाला चार्ज उसको रिपेल कर रहा था, तो वी डैश होता है इसकी एज क्यू बराबर सी वी होता है ना, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। आपको टोटल चार्ज कितना देना है, टोटल चार्ज देना है आपको क्यू, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, बस बैटरी ये तो फोर्स लगा करके उसको अंदर कंप्रेस करके या उसको प्रेस करके चार्ज को अंदर ले जा रही है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से क्यू डी, बस काम खत्म, इंटीग्रल जीरो से क्यू क्यू डैश अपान सी डी। आपको याद होगा अगर आप डीएक्स करते हैं, केवल डीएक्स, तो कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल एक्स होता है, और अगर यहाँ एक्स पावर एन आ गया तो एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अपान सी क्यू डैश स्क्वायर बाई टू, और लिमिट जीरो से क्यू रख दो वैल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यही वर्क डन है, और इसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब शुरुआत में आपने कैपेसिटर की प्लेट ली, यानी न्यूट्रल थी, कंडक्टिंग प्लेट थी, आपने उसको बैटरी से जोड़ा, बैटरी ने क्या किया, उसको चार्ज करना शुरू किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको करना शुरू कर दिया, और स्टार्टिंग में बैटरी ने कितना चार्ज दिया इसको, क्यू डैश, ठीक है। जब इसके बाद चार्ज देना शुरू किया, डी क्यू जब चार्ज उसको जाने लगा, तो पहले वाला चार्ज क्या करेगा, उस चार्ज को रिपेल करेगा, फिर बैटरी हाथ दिखाएगी, क्या हो, क्यों नहीं जाने दे रहे हो, यहाँ जगह नहीं है, मैं उसको जो उसकी बैटरी ठाकर लगा के अंदर जाएगा, बड़ा दे इसे टेम्पो नहीं देखा होगा, कोई मोटी महिला बैठ जाएगी तो बैठा देता तब भी आदमी, वो कहेगा जगह नहीं है, उधर किसको उधर किसको उधर किसको, इतनी जगह में बैठा देगा उस आदमी, मतलब उस आदमी का कमर इतना बड़ा, जगह इतनी बड़ी, वो भी कम नहीं बैठ भी जाता है, अभी धीरे 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 अपना इलास्टिसिटी के हिसाब से वो जगह बना लेता है। तो धीरे धीरे ये जो चार्ज डी क्यू जा रहा है ना, ये बैटरी क्या करती है, ताकत लगा के अंदर ले जाती है, और ये वर्क हो गया पूरा वर्क, सुनना की बात, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार, ऐसा करिए यहाँ जो डी क्यू लिखा है ना, इसको डी क्यू डैश कर दो, कंफ्यूजन ये बस हो रहा है बार बार, उस
समथिंग, ये तो क्यू है, ये डी क्यू, ये तो डैश लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, डैश लगा दो ऐसे, थोड़ा सा एक रूपता करने के लिए, और कोई मतलब यहाँ पर है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। एस क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। सो एक और फॉर्मूला आपका आ सकता है, यू इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा आपने देखो सी को तो मत गायब करो, दो ही फॉर्मूले लिखिए, वैसे तो आप चाहे सी को गायब कर सकते, सी बराबर क्या होगा क्यू अपॉन वी। सो यू बराबर क्या होगा हाफ, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू अपॉन वी, क्यू भी बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हाफ क्यू इंटू वी, ये भी फॉर्मूला ठीक है। लेकिन बात कैपेसिटर की हो रही है तो कम से कम कैपेसिटेंस हो ही उसका, ठीक है, तो इसलिए आप फॉर्मूले दो ही नहीं याद तीनों कर लीजिएगा, तो एक ये फॉर्मूला आपका बनेगा ये वाला, एक ये फॉर्मूला बनेगा, एक ये फॉर्मूला बनेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज गिवन है उस हिसाब से इसको अप्लाई करेंगे। देखिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में कितनी एनर्जी है। देखिए जो हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर स्फेरिकल भी हो सकता है, किसी स्फेयर को आप चार्ज दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरा स्फेयर लगाइए, तो जो बाहर वाला स्फेयर होगा वो वही इंडक्शन उसमें क्रिएट होगा इस प्रकार से जैसे इसमें हुआ था, वो भी बन जाएगा कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, अब क्योंकि सिलेबस को हल्का कर रहे हैं ना, बच्चों के ऊपर बोझ न बने, बच्चों तो आप लोग क्या हो गए, बच्चों हो गए, हम लोग कौन थे, सुअर कहीं के, कुत्ते कहीं के, कमीने नालायक सब थे हम लोग, मतलब आप स्कूल जाओगे तो ये टाइटल मिलना ही मिलना है, मुर्गा बनना ही बनना है, स्कूल झाड़ू लगानी लगानी है, अभी किसी लड़के झाड़ू लगवा लो मीडिया वाले, देखो बच्चों को क्या बना दिया, सफाई कर्मचारी, अरे गधे कहीं के, स्कूल की अगर सफाई लड़का करता है वो तो मंदिर है, उसको दूसरी तरीके से सोचिए ना। तो अब हम लोग तो अब आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, कंपटीशन तब तब होता, कहाँ होता था, गांव में होता था, शहर में होता था, बहुत ज्यादा तो स्टेट लेवल पे होता था, मतलब अब तो ज्वाइनिंग कहाँ होती, जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन लंदन, यहाँ लड़के नौकरी करेंगे, कंपटीशन वर्ल्ड लेवल से है, और बैग हल्का वाला, ठीक है, तो ये सिलेबस आपको उससे हटा दिया गया, हम लोगों के समय था, अभी हटा दिया, अच्छी बात है, बच्चे हो गए। अब तो एनर्जी डेंसिटी इन अ चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, देखिए ध्यान से डायग्राम बनाई, जो थैली एनर्जी आप कैपेसिटर, हमने क्या बताया है, वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डायग्राम अपने आप दिमाग में रखिएगा, एनर्जी यू बराबर क्या होता है, अब आपके हिसाब एनर्जी लिखा आपको कैसे मालूम पोटेंशियल एनर्जी, अरे यहाँ कौन दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैप्चर दौड़ रहा है जैसे, तो जब नहीं दौड़ रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्या होती एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैप्चर, कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर कल हमने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ, बैठे बैठे बता दो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कल हमने बताया था, हमको टेढ़ा देखते हैं कैसे देखते हैं क्या, तो हमने इसे बोला दूर, हम बहुत दूर से ऐसे हाथ करें तो ठीक है, इतना नजदीक बोल रहे हैं, क्या होता है डी, वेरी गुड। अब वी की बात करते हैं तो वी को हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, क्योंकि आप जब चार्ज देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ई इंटू डी होता है, वी ई इंटू डी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यहां से डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी,
एक तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिए कि अगर किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो ई है और प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये फार्मूला भी एक हो गया आपका। ठीक है, जब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, हम इसको इंडिकेट करने के लिए हमने स्मॉल यू का इस्तेमाल कर लिया। क्या करें, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटर का अगर आपसे कहें कि वॉल्यूम क्या होगा, क्या बताएंगे? नेग्लिजिबली हो जाएगा। सीट में कैपेसिटर माना सीट होता है, ये सीट कैपेसिटर नहीं है, ये सीट और ये सीट मिला के दो सीट, बीच में इतनी जगह, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कितना हो जाएगा, ए इंटू डी, ये प्लेट है कैपेसिटर की, इसका एरिया ए है, ये इनके बीच की दूरी है डी, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए इंटू डी, इसको किससे डिवाइड करते हैं, ए इंटू डी से, रखो ए इंटू डी हटा दो, हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये आपका स्मॉल यू लिखिएगा, थोड़ा सा देख लेते, यू डैश मान लो, बुद्धि मान लो, ये एक फॉर्मूला आपका हो सकता है। ठीक है, नोट करिए, इसमें एक स्पेशल केस आप ले सकते हैं, एक स्पेशल केस अगर मान लिया जो आपका कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, इफ देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो यू कितना हो जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, के टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। देखिए, अगर कैपेसिटर को चार्ज कर दीजिए या दो चार्ज कंडक्टर ले लीजिए और उन्हें आप कनेक्ट कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, हमने कूलॉम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि अगर दो कंडक्टर जोड़ दिए जाए तो दोनों का चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों को एवरेज निकल आ रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, बोले ऐसा नहीं होगा भाई, एवरेज नहीं निकलेगा। पहले इसको जोड़ने की बात करते हैं, हम कैपेसिटर नहीं ले रहे हैं, कंडक्टर ले रहे हैं, ये दो कंडक्टर है, मान लीजिए कैपेसिटर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल V2 है, और दोनों को उठा के जोड़ दिया, वायर से नहीं जोड़ दिया, खुद ही लेट गए बीच में, ऐसे लेट गए, एक हाथ से दूसरा कंडक्टर, एक पैर दूसरे में रखे, अरे कैसे जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग हो, वायर हो, जो भी हो, अलग बात है, या यूं कहिए कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये, दोनों चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नहीं बैटरी चार्ज चार्ज कर लिया होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और दोनों को जोड़ दिया हमने ऐसे, तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या चाहते थे, इससे इसको मैं जोड़ दूंगा, नहीं सर, आनंद आ जाएगा, नहीं सर, प्लस लिखा है, अब वो एक्चुअली में प्लस नहीं, हो चुपचाप दुबक क्या गया, ये ऐसे होता नहीं था, पहले मंदिरों में कुआरी खिलाई जाती थी लड़कियां, ठीक है, लंगूर भी खिलाए जाते थे, तो चूंकि अब हर घर से एक लंगूर होता था, लेकिन लंगूर तो एक ही दो होंगे, तो हम लोग खिसियाए खड़े रहते थे शायद लंगूर में नंबर आ जाए। ठीक है, तो जो खिलाने वाले अगर परिचित है, अरे बच्चा तुम आ जाओ, आ बैठ जाओ, अगर तुम बैठ गए और तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम कहाँ खड़े हो, तो ऐसे आके लंगूर तरह आ गया होगा, फिर वो है नहीं ऐसा। देखिए, चार्ज ट्रांसफर शुरू हो जाएगा एक दूसरे से, कब तक, तो पहली बात, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता क्यों है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसका मतलब वो चार्ज कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, बस ये कांसेप्ट सुन में आ गया। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को ले या इसको ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तो देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या है, C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू क्या है, C2
टू वी टू। अब चार्ज ट्रांसफर में ये तो हो नहीं सकता है कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया वहां दो बन गया, टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, टोटल कैपेसिटी भी सेम रहेगी। तो अगर हम निकालें कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल व्हेन इज विभव, एक आधा हिंदी बोल देते हो अंग्रेजी बोल दिया करो बीच में, आप भूल ही जाते हैं कि तुम समझ जाते होगे इसलिए हम नहीं जान देते हैं। ये तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपान टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस, चाहे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहिए चाहे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहिए। तो टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू, और ये कितना हो गया सी वन प्लस सी टू, यानी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपान सी वन प्लस सी टू, ये हो गया ट्रिक। अब देखो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके बाद यहां कितना हो गया होगा चार्ज क्यू वन डैश हो गया, यहाँ कितना हो गया होगा Q2 डैश हो गया होगा। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश क्या हो जाएगा C1V और Q2 डैश क्या हो जाएगा C2V, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश क्या हो जाएगा C1V। यानी आपने क्या देखा कि वो जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है वो अपने पोटेंशियल के रेशियो में, सॉरी अपने कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है, ठीक है। अब वो एक अलग की बात है कि वहां देखा बढ़िया सामान रखिया खा जा बेटा कैपेसिटी है कि नहीं है तो बाद में भोगो जा करके, लेकिन नेचर ऐसा नहीं करता, नेचर उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, ज्यादा नहीं खाता है। तो कह क्या रहे हैं कि भाई जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी टिफिन की शेयरिंग होती है, हमें दो तुम्हें दो हमें दो तुम्हें दो, तो उसमें एनर्जी लॉस होती है, बातें बाद में कर लेना। देखिए हमने कहा सपोज करिएगा डायग्राम पहले वाला है कि हमने कहा दो कंडक्टर्स हैं, ये दो कंडक्टर्स अपने डायग्राम में बनाएंगे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दो कंडक्टर्स हैं उनका चार्ज सी वन है पोटेंशियल वी वन है कैपेसिटर सी वन है, तो उन बिफोर बिफोर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बिफोर कनेक्टिंग बिफोर कनेक्टिंग उसकी जो एनर्जी होगी कितनी होगी दोनों को मिलाकर U1 मान लेते हैं तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, यही होगी ना है? क्या दिक्कत क्या है तो यूटी बना दे उसमें, अरे नाम लिखना जरूरी है कि वो नाम कुछ भी लिखे हैं। अब हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिया आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग में क्या चेंज हुआ है वी चेंज हो जाएगा, वी हो जाएगा इसका कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्टिंग लिखिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अब तो ठीक है ना, बस जरूरी थोड़ी है करोड़ी मन नाम रखिए तो रुपया करोड़ों हो, नाम होता है लखा मल करोड़ी मल है तवाड़ी वाला क्या नाम क्या बता रहे आफ्टर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी यू टू इज इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर, अब वी का मान चेंज करना पड़ेगा तो वी अभी आप निकाल चुके हैं, क्या निकाला है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपान C1 वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इसमें, ये होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आया ऊपर आएगा C1 V1 बी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपान टू सी वन प्लस सी टू। आप कह रहे लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होने का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी या बाद में, पहले ज्यादा थी तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू मान लें, तो इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, यानी कि हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ
C2V2 square माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। आइए इसमें क्या करें आप, देखो ये 2 बाहर निकाले और C1 प्लस C2 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं 1 अपॉन 2 C1 प्लस C2 हमने बाहर निकाला, जरा ध्यान से समझिएगा, ये C1 प्लस C2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, हाफ बाहर निकाल लिया ना, हाफ का काम खत्म, माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, नाउ होल स्क्वायर, अब इस होल स्क्वायर को खोल दिया जाए, ये लोग बोलते हैं वेल ऑफ स्क्वायर, नहीं बताऊ बोलने का उनका तरीका था, वेल ऑफ स्क्वायर, कौन होल बोले तो ये वेल ही होगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, पहले C1 को अंदर ले जा रहे हैं, गलती ना हो याद देखिएगा, क्या आएगा C1 square V1 square प्लस C1 C2 V2 square प्लस C1 C2 V1 square प्लस C2 square V2 square, इसका होल स्क्वायर खोलिए और माइनस को पीछे लगा दीजिए, जा बेटा माइनस C1 V1 square माइनस C2 square V2 square माइनस 2 C1 C2 V1 V2, C1 V1 square एंड C1 V2 आंसर कैंसिल हो गया, C2 V2 square कैंसिल हो गया, देखो यहां से C1 C2 कॉमन हो गया, बाहर निकाल लो तो आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, अंदर क्या बचेगा V1 square प्लस V2 square माइनस 2 V1 V2, तो आ गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस है, ठीक है, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, पहले जरा समझने की कोशिश करिए, एनर्जी लॉस ही हो रही है, जरा समझिएगा एक सेकेंड, एनर्जी लॉस का मतलब आपने क्या किया था, U1 में से U2 माइनस किया था, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती इसका मतलब क्या होता कि भाई साहब दूसरी वैल्यू बड़ी है ना, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, क्यों, देखिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, क्या किसी की कैपेसिटी निगेटिव हो सकती है, फिर हमारी कैपेसिटी निगेटिव हो जाएगी ऐसे दो रोटी रोज बाहर निकालते, अरे तुम एक और रोटी नहीं खाओगे या निगेटिव रोटी खाओगे तो रोज बाहर निकालोगे, इसलिए ये हमेशा वैल्यू कैसी होगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, अब क्यों होगी लॉस ऑफ एनर्जी, भाई आपने दोनों का जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे किया, अच्छा फेंक करके दिया, आपने तार के माध्यम से दिया होगा ना, तो तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट क्रिएट हुई होगी, एनर्जी लॉस हुई होगी, कनेक्ट करते हो तो स्पार्किंग हुई और चिट पिट की आवाज हुई हो, साउंड एनर्जी, तो इस प्रकार से एनर्जी के रूप में एनर्जी लॉस हुई होगी, ठीक है।